गाइस सिकंदराबाद के जिस एरिया में हम जा रहे हैं वो तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो सोचा जाने से पहले फ्यूल भरवा लेते हैं, लेकिन भाई साहब यहाँ बहुत तगड़ी भीड़ जमा है। अभी लगभग सिकंदराबाद यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर है, बस थोड़ी देर का सफ़र और है, बाकी तब तक आप रोड के नज़ारे लो इस हाईवे के। ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो चुका है सफ़र, और यार गर्मी इतनी है कि भाई सब खड़ा नहीं हो जा रहा, इसलिए हमने कहा चलो पहले पानी वानी पी लेते हैं, बिरयानी तो खाते रहेंगे हम लोग। कितनी दूर है यहाँ से? भी है यहाँ से ऐसी है 10 किलोमीटर। तेरे को पक्का मालूम है ना? हाँ पक्का मालूम है। ये तो मेरे से यहाँ पे आए थे हम। तो भाई जो मेन वाली बिरयानी उस पे ले चलिए, वही ना कि किसी पे भी खिला देवे। तो मोहम्मद की अच्छी है। आस मोहम्मद मोहम्मद है चलो वहीं आए थे पर खाए खाते हमने मोहम्मद के बस सावन चल रहे थे तब तक मिल गई ना। पूरा काफी फेमस है आपके यहाँ यहाँ पे। यार जब भी आप बिरयानी खाओ एक चीज़ का ख्याल रखना कि आपके पास कैश होना चाहिए, पेटीएम वगैरह एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन हमने इनसे बोला कि हम गाज़ियाबाद से हैं, दूर से हमें मालूम नहीं था, तो भाई मान गए। यहाँ 2-3 बार इनके साथ फ्रॉड हो चुका है इसलिए ये एक्सेप्ट नहीं करते पेटीएम। तो ये आ गई है हमारी बिरयानी, उसके साथ कबाब, और उसके साथ बिरयानी के साथ जो होना ज़रूरी है उसे कहते हैं थम्सअप। जैसा कि पठान बोलता है, बिरयानी के साथ तूफान पियो। यहाँ पे हम काफ़ी टाइम बाद आए बिरयानी खाने के लिए, लेकिन जैसा कि देख रहे हैं भीड़ पहले की तरह ही है। और भाई मुझे तो इस बार मतलब इस बार के और ज़्यादा टेस्टी लगी बिरयानी। अखनी का जो फ्लेवर था ना वो बोटी बोटी में मतलब फ्लेवर लिया जा सकता है उसके, एक एक रेशे में आ रहा है उसका फ्लेवर। ये बिरयानी देखने में जितनी सिंपल लग रही है उतनी ही टेस्टी है, और भाई साहब बोटी की क्वांटिटी बहुत अच्छी भी थी। अभी कल भी एक जगह सिकंदराबादी बिरयानी खाई थी जहाँ पे बोटी यार बहुत बेकार भी थी, इसलिए हमने कहा कि इस बार चलो सिकंदराबाद से ही खाकर आते सिकंदराबादी बिरयानी। और फिर आप सबकी सेवा में हम यहाँ पे हाजिर हैं, और बिरयानी खाकर हम बाहर आ चुके हैं। अभी तो आज को एडिट करने में आलस आएगा।
तो गाइस बिरयानी खाने के बाद हम वहां से निकल चुके हैं। अभी यहाँ पे मास्क का थोड़ा काम था काउंटर पे, तो वहां से वो काम कंप्लीट करेगा, उसके बाद हम घर के लिए निकल लेंगे। काउंटर को इसे टैग करना होता है, वर्लपूल में TLI है, तो इसके एरिया में कुछ मतलब एरिया में कह रहा हूँ इसके अंडर में कुछ एरिया आते हैं जहाँ पे मतलब अंडर में एरिया आते हैं, एरिया में कुछ काउंटर है, वहाँ जाके इसे टैग करना पड़ता है। पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब टैग करने का मतलब ये है, मतलब टैग तो ऐसे ही बोल दिया, बस ये इसे जाके पता करना पड़ता है काम कैसे चल रहा है, सेलिंग वगैरह कैसी है, इसके जो अंडर में लड़के हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, सेल वगैरह कर पा रहे हैं कि नहीं, उसको डिटेल देता है। बाकी यही जाने, अगर मैं इतनी सारी जानकारी रखता तो मैं ही TL नहीं होता। भाई ना जाने कितने साल हो चुके हैं, ये लोग आगे रोड ना थोड़ी ख़राब है, ये वहाँ पे रोड मतलब बनाते नहीं है, ऊँचे नीचे गड्ढे, जिसकी वजह से गाड़ियाँ स्लो चलती है। अब उसकी वजह से इस पर करीब मतलब 1.5 किलोमीटर तक जाम हमेशा रहता है, कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ जाम ना मिले। भाई पता नहीं कैसे लोग हैं, बनाते ही नहीं है। इलेक्शन के वक्त भाई मुँह फाड़ के हाथ जोड़ के आके वोट मांगते हैं, लेकिन भाई जब रोड बनाने की बारी है तो भाई गायब हो जाते हैं, पता ना भाई कैसे कैसे लोग हैं। वैसे तो गाइस इस ब्लॉग में कुछ खास था नहीं, तो मैंने सोचा जब बिरयानी खाने जा रहा हूँ तो मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को कहाँ कहाँ जाते हैं बिरयानी खाने। वैसे बिरयानी खाना ही हमारा मेन काम है, तो इसलिए मैंने दिखा दिया आपको, सिकंदराबादी बिरयानी दिखाई अभी आपको। हो सकता है कुछ दिनों बुलंदशहर जाए, वहाँ के भी एक दो मतलब फेमस बिरयानी है, मैं भी वो बिरयानी भी आपको वहाँ पर दिखाने वाला हूँ, मतलब जब जाऊँगा तब दिखाऊँगा, अभी नहीं दिखाऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा, दुआओं में याद रखना।